हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं यहां पे आज फिर एक दिन फिर से यहां पर कोटवा लेगरे में यहां की आपको खूबसूरती दिखाने के लिए। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हम हैं और कुछ नहीं, एक होटल के नीचे। ये हमारे ऊपर जो है इस टाइम ये है 360 हमारे वाला पक्षे है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे ऊपर है और कुछ नहीं, एक 360 होटल जो बना हुआ है पानी में। ये एक मिनट पर खड़ा है और ये ऊपर जो है ये इसका होटल का नाम है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा पानी की तरफ देखने के लिए, बहुत ही रिलैक्स करने वाली जगह। और जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर जा रहे थे। तो इस साइड पर जब आप आ जाएं तो आपको नजर आएगा पोर्टो अलेग्रे का ओला दो उबर। और इस साइड पे ओला दो उबर वो उधर पॉइंट है, यहाँ पे वैसे जगह को कहते हैं उसी ना, तो गैसों में तो आई मेरे बिजली सप्लाई करती है पूरे शहर को। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लोग रिलैक्स करने आते हैं, थोड़ा सा चलने फिरने आते हैं, साइकिलिंग होती है यहाँ पे। आगे जाएंगे तो आपको स्केट बोर्ड चलाने के लिए जगह, स्पेशल जगह मिल जाएगी स्केटिंग की। यहाँ पे लोग अपने ज्यादातर पेट्स को लेके आते हैं, अपने माँ बाप के साथ आते हैं रिलैक्स करने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी घूम रहे होते हैं, यहाँ पे यूट्यूबर्स भी आते हैं जैसे हम आए हुए हैं और यहाँ पे आते हैं लोग जो हैं फोटो सेशन करने आते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको यहाँ पे होते हैं इवेंट्स भी हो जाते हैं यहाँ पे कंपनी के, जैसे उबर कंपनी है बहुत बड़ी, वो यहाँ पे हर हफ्ते ज़्यादातर जो है ना इवेंट करती रहती है। अभी मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाता हूँ, ये अपनी राइट साइड पे हम देख सकते हैं, इसको कहते हैं लगवा दुस्पा, यहाँ जाके लगवा बनते हैं। वैसे इसको कोरियोग्राफ वही भगत ये जो ये एग्जैक्टली यही था जो वहाँ पे। यहाँ पे आपको ज़्यादातर लग्जरी यॉट मिल जाएगी, लग्जरी जेट्स की मिलेंगी आपको यहाँ पे लोग देखते हुए चलाते हुए। उस साइड पे जो है वो हमेशा नज़र आता है वही भगत है, जरा वहाँ पर हम जाके आपको। और ये वो है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जा रही है लड़की यहाँ पर स्कूटर चला रही है, लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं साइकिलिंग हो रही है। यहाँ पे ज़्यादातर हमें हर किस्म का पैड मिल जाता है जो यहाँ पे शहर में रखने देते हैं लोग जो है यहाँ पे आके एक दूसरे मिलजुल लेते हैं। यहाँ पे मास्क वगैरह आप थोड़ी देर घूम सकते हैं, आपको पता ही है ये जो पैंडेमिक चल रही है हमारी कोविड-19 की वजह से मास्क नहीं उतार सकते वैसे हम शहर में। अपनी जर्नी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है स्ट्रीट आर्ट आपको जो है देखने को मिलेगी, ये वाला निकाल के देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे लोग कितने क्रिएटिव हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप देख सकते हैं हम जो उस साइड राइट साइड पर हम खड़े थे उधर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर हम खड़े थे जहाँ पे हम वीडियो अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। उधर से ही साइड पर आपको ये नज़र आ रहा था, लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ से नज़र आएगी ये पोर्टो अलेग्रे शहर का जो है साउथ हिस्सा, ये यहाँ पे आप इस साइड पे देख सकते हैं। और वो जो सामने है वो है हमारा शहर, वो हमारा जो है पड़ोसी शहर उसको गुआइबा, सिदाज गुआइब। यहाँ पे आप शिप्स को जैसे शिप्स देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले कहा था। और ये यहाँ पर लोग जो है ये यहाँ पर इंजॉय करते हैं आके। यहाँ पर आपको एक और बात मैंने बता रही थी, यहाँ पर जो है मिलती है रेंट पे बाइक्स मिल सकती हैं आपको, स्कूटर भी यहाँ पे राइट पे मिल जाते हैं। जैसे ये बाइक खड़ी है यहाँ पे राइट साइड पे ऑरेंज कलर की, चले आए आपको आगे भी और कोई चीज़ें दिखाते हैं। आए अब यहाँ पे किसी को ढूंढ के यहाँ पे लोकल बंदे से किसी को उसकी ओपिनियन पूछते हैं इस जगह के बारे में कि वो यहाँ पे यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं। आए गए जी आपको मैं दिखाते हुए यहाँ पे लिटरली हम पानी के ऊपर चलेंगे।
grabando un video para un canal mío que hace que más que todo pesará hacia de ahí yo quería hacer algunas preguntas para vosotros brasileños. La primera pregunta es desde cuánto tiempo vos ven para aquí para Brasil. Olha, a gente veio para cá a primeira vez faz 3 anos. Tá. Você é aqui do Rio Grande do Sul? Sim. Mas faz 3 anos como assim? É que eu morava em outra cidade. Tá. Daí a gente veio pra cá, porque como é capital. São irmãs? Não, amigas. Ah, tá. A segunda pergunta, você tem alguma mascota que você traz pra cá? Não. E faz quanto tempo você tá já morando aqui na Porto Alegre? Agora faz meio ano. Tá, faz meio ano. Tá. Você pensa viajar para outro país? Fora do Brasil? Já. Já pensei em ir pros Estados Unidos. Já foi? Ainda não. Ah, tá. Não, só. E para algum país asiático já pensou ir ou não, ainda não? Acho que ainda não despertou nenhum interesse assim, em ir para lá. Sim, porque a gente tem um canal daí, a gente tem pessoas do Paquistão, eu não sei se vocês conhecem o Paquistão. Eu seria, queria saber se vocês quiseram viajar para lá o Paquistão. Seria um lugar interessante. Tá, obrigado. De nada. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something new.